दोस्तों, अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर। इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक 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 का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ प्रतीक
मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ तो आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट के सिद्धार्थ आनंद ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे।
जो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बैक 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 का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। बोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषा में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर 2 गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों, 71% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में,
तो दोस्तों 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। और दोस्तों 71% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। जो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट विक्के नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर 2 गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमे प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषा में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट विक्के नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से
खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन
पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक 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 का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषा में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर स्वरूप को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट सिद्धार्थ आनंद ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट के सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों, 71% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में,
तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों 71% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से
खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों, 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन
पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक 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 का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर स्वरूप को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ तो आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी वोर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वोर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वोर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों, 71% रोटो टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार को, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ तो आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में,
तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर 2 गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ तो आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से
खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन
पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। जो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बैक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर स्वरूप को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर 2 गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों, 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में,
तो दोस्तों 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लिवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर स्वरूप को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर। इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर स्वरूप को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से
खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन
पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बैक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर स्वरूप को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर 2 गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी वोर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वोर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वोर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों, 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में,
तो दोस्तों 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर स्वरूप को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर 2 गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट विक्के नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से
खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ तो आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन
पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक 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 का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर स्वरूप को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर 2 गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है। और दोस्तों, 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिय गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ तो आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में,
तो दोस्तों 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग भी मिली हुई है। और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिय गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वोर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट विक्के नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर 2 गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ तो आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी वॉर मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वॉर मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी वॉर, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 6.5 के दमदार रीडिंग में मिली हुई है और दोस्तों 71% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को गूगल यूजर्स की तरफ से कितना परसेंट पसंद किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वाणी कपूर, अनुप्रिया गोयका, जेसी लीवर, आशुतोष राणा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटा 34 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 170 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 475.62 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मुख्य फोटोग्राफी सितंबर 2018 में शुरू हुई है। इसका पहला नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन 15 जुलाई 2019 को एक टीजर के जरिए वॉर घोषित किया गया है। यह फिल्म 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर बनी थी, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गाने विशाल शेखर द्वारा रचित थे, जबकि भाइयों संचित बहलार और अंकित बहलारा ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जिन्होंने पहले बेक का बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वॉर को 2 अक्टूबर 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करण के साथ गांधी जयंती पर रिलीज किया गया था। नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हक्कानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन उसके बजाय वो अनुभवी रो एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री सेना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खालिदा रहमानी टाइगर श्रॉफ को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खालिद रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खालिद के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर दो गोलियां लगते और उसका साथी मर जाता है। लुथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से
खालिद की टीम में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुथु और अदिति शामिल भी है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।